तेरे भरोसे पे। मेरी प्यारी बहनों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सबको मेरा राम राम प्यारा सा। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं नहा धो के आई हूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आलू जो है ना, इस तरह से फ्रेंच फ्राई कर रही हूँ। इससे ना बहुत मतलब टेस्टी लगता है खाने में, तो इनके लिए थोड़ा सा इस तरह से फ्राई कर दे रही हूँ और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँ, क्योंकि यही खा के चले जाएंगे। और कुछ भी घर में है नहीं, तो मुझे कुछ सूझी नहीं रहता क्या बनाऊँ जल्दी में, बहुत लेट हो गया था मुझे, तो वही फटाफट से फ्राई करके उनको दे दिया, वो खा के अपना चले गए हैं। और यहाँ पे इसके बाद मैं अपना थोड़ा सा मेकअप सेकअप करने आ गई हूँ, क्योंकि नहा के आई थी तुरंत इधर उधर बनाने उनाने चाय वाय यही सब में लग जाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता। तो जैसे ही ये जाते हैं, इसके बाद मैं अपना जो है थोड़ा बहुत काजल, लिपस्टिक, हल्की सी बिंदी और वही सिंदूर वगैरह सब वही सब करती हूँ। नॉर्मल जो करती होंगी लेडीज़ हैं वही मैं भी करती हूँ। और बाल आज मैंने धोया हुआ है, वॉश किया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉग जो है ना है कब का है, वेडनेसडे का ब्लॉग है। और ये थर्सडे को मैं बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ, वेडनेसडे का ब्लॉग थर्सडे को एडिटिंग कर रही हूँ। थर्सडे को मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ एडिटिंग करने का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हालांकि मैंने पहले भी हेलो कर दिया, लेकिन फिर भी आप सबको एक बार फिर से राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे और बहुत मज़े में। तो फ्रेंड्स, जस्ट अभी आपने जैसा कि देखा, मैंने ना आलू फ्राई किया था और थोड़ा सा मेरा भी मन कर गया खाने का, तो मैं भी खा ली थी बैठ के। और अभी जो है सारी क्लीनिंग तो करी ली है, नहा के आई गई हूँ, आपने देखा ही है। आज हेयर वॉश किया, आज मुझे अपने ना कुछ काम निपटाने, जैसे कि मेरी थ्रेडिंग जो है बहुत बढ़ गई है, तो इसको जो है ना मुझे मतलब कि सेट करना है। साथ में थोड़े से अपने बाल को नीचे से ना ट्रिम करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे से ना झाड़ू जैसा हो गया है, तो उसको ना ट्रिम करके निकालना है फालतू के बाल। और ठंड ना बढ़ती जा रही है यार, मुझे ऐसा लग रहा है ठंड घटने के बजाय बढ़ती जा रही है, जबकि ठंड घटनी चाहिए बट बढ़ती जा रही है। और कल इसीलिए हम लोग ने आग थोड़ी सी जलाई थी, बट जो है ना ज़्यादा धुआं होने के कारण उसको हम लोगों ने बुता दिया था, वरना कमरा ना बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। और इतना वैसे भी फिर पुताई कराने का उतना वो नहीं है, बजट नहीं है, तो फिर इसीलिए हम लोगों ने उसको बुता दिया, ज़्यादा नहीं जलाया। मैंने इनसे कहा कि आप कोयला ले आइए, वही सही है, अपना कड़ी नहीं सही रहता है। ऐसे कोई खुले जगह में रहते या गांव वाँव वाला इलाका होता तो फिर सही रहता है लकड़ी जलाना, बट ऐसे नहीं सही रहता है। और मैक्स को भी ठंड लग रही है आज बहुत ज़्यादा, तो वो ना ओढ़ के आराम से लेटा हुआ है। तो चलो फिर सब मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, और अभी देखती हूँ खाना वाना क्या बनाना। अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, पता है मैं मौज पे हूँ, तो जिन लोगों ने मुझे मौज पे फॉलो नहीं किया ना, फॉलो कर लेना, अंबिका पटेल की आईडी से ही हूँ वहाँ पे, तो वहाँ मुझे फॉलो कर लेना आप लोग। मैं जा रही हूँ मौज पे, थोड़े एक दो वीडियो बनाऊँगी, इसके बाद जाऊँगी अपना लंच बनाने। ये चले गए हैं, चलो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, ठीक है। चावल बना रही हूँ, सिंपल से खाना बना रही हूँ, फटाफट खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं। आज मुझे ना इनके कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि इनके कपड़े बहुत ज़्यादा निकल गए हैं और मैंने कई दिन से वॉश नहीं किया, तो आज बोल के गए हैं। और जब हस्बैंड लोग कोई चीज़ टोक देते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है। और ठंड के कारण ही मैं धो नहीं रही थी, क्योंकि जानते हो ना यार, धूप निकलती ही नहीं तो कोई भी चीज़ सूखता नहीं है, और अगर सूखता नहीं है तो दो तीन दिन में सूखता ना, तो अजीब से उसमें से स्मेल आने लगती है, तो इसलिए मैं नहीं धो रही थी। बट अब क्योंकि कपड़े जो है ना सारे निकल गए, पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए अब धोना पड़ेगा, वरना फिर मुझे कहेंगे कि क्या करती हो तुम दिन में बैठ के, कुछ तो नहीं करती हो सारा दिन, खाना बना के तो सो ही जाती हो, ऐसी कहते हैं मुझे ये। हम कहते हैं इनसे कभी एक दिन ना घर में रह के ना आप जो है ना घर का काम करके देखो, तो पता चलेगा करती क्या हूँ मैं। और यार देखो, हर लोगों सबकी जो है ना अपनी अलग अलग ड्यूटी होती है, और सबका अपने अपने जगह पे काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं और हस्बैंड लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं, वो लोग भी बहुत काम करते हैं, हम लोग भी करते हैं, दोनों की ना अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस अलग ही होती है, डिफरेंट होती है। बट हम दोनों ना एक मतलब ऐसा होता है ना कि हस्बैंड वाइफ लोग ऐसे मजाक में बोल देते हैं, तो वो भी बोल देते हैं ऐसे मजाक में, और मैं भी कभी कभी बोल देती हूँ कि आप भी वहाँ क्या करते हो, वहाँ जाके आपको तो सो मॉर्निंग में काम रहता है, दिन भर तो काम तो रहता है, दिन भर तो टहलना रहता है मॉल में, जितने भी काम होते हैं मॉर्निंग में ही होते हैं, तो बोल देते हैं कि ऐसा नहीं है, वहाँ भी दिन भर सारा काम रहता है, ऐसा नहीं है जरा सा कोई कुछ फैला दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो हटाना साफ करना सब कुछ करना पड़ता है, कभी भी काम वहाँ बढ़ जाता है, ऐसी बात नहीं है। और एक चीज़ एक ना एक बुरी बात ये है ना कि मेरे ख्याल से ना
बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, कुछ दिन बाद बताऊंगी आपको वो बात, क्योंकि अभी थोड़ा कुछ चर्चा बात ऐसे वार्तालाप चल रही है, देखो क्या होता है, कुछ दिन बाद बताऊंगी आपको कि क्या मैटर है क्या नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए तो बुरी ही खबर रहेगी, बताऊंगी कुछ दिन बाद बताऊंगी अभी नहीं। और चलो फटाफट खाना बना देती हूँ फिर मिलती हूँ, ठीक है। तो हमारे बहन लोग हम खानवा जो है ना वो लेकर बैठ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा जड़ा रहे, इतना जड़ा रहे ना, मन कर रहा है कि साले कमर में खाली घुसे रहे बस, और देखो मैं एक अपना खाना खा रहे हैं, क्योंकि जब मैं खाती हूँ तभी इसको साथ में देती हूँ, वरना ये मेरे खाना मांगता है, तो इसलिए मैं एक साथ ही देती हूँ इसको भी और खाती हूँ। और मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स मुझे कहती है ना कि तुम बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश करती हो, ये वो ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, नॉर्मल वे में हर कोई अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलता ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं। और किसी चीज़ की कोशिश करना, किसी चीज़ का ट्राई करना क्या गलत बात है क्या? आदमी को यहाँ तक को इतनी उम्र होने के बाद भी लोगों के अंदर सीखने की और करने की और आगे बढ़ने की क्षमता और इच्छा रहती है, तो मैं अगर कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ तो क्या गलत बात है क्या? नहीं गलत बात है ना, अच्छी बात है ना, सीखना चाहिए ना हर किसी को, सबको सीखना चाहिए। मैं तो आपको भी कहती हूँ आप भी इंग्लिश बोलो, मैंने तो नहीं मना किया कि आप इंग्लिश मत बोलो, बट आप ऐसे बोल देते हो ना कि मैंने मेरी पुरानी वीडियो चेक कर रही थी, उसके कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था कि ये बड़का बहुत ज़्यादा बड़का अंग्रेज़न बनती है, फलाना ठिकाना ये वो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं अपने नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे इंग्लिश बोलती रहती हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए इंग्लिश बोलती हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और बाकी आप लोग की मर्ज़ी, जो भी सोचिए कर लेती हूँ लंच, क्योंकि पेट में ना जैसे वो वाले वीडियो में बोला था ना अमेरिका वाले बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं, तो वही वाले चूहे आ गए फिर से मेरे पेट में अमेरिका वाले, क्योंकि सुबह से किसी वही थोड़ा सा एक दो पीस फ्राई आलू वाला खाया था, उसके बाद कुछ भी खाया नहीं, क्योंकि नहीं क्यों नहीं खाया, क्योंकि अब मैं मेरी फेवरेट है आलू टमाटर की सब्जी। कपड़ा तो मैंने धो लिया है, बट लाइट जो है ना वो चली गई है, लाइट चली गई है तो अजीब सा लगता है ना, लाइट चली जाती, वरना टीवी देखते रहते ऐसी नींद आ जाती। इस समय घड़ी में 1:30 बज चुका है, आप देख सकते हो, और जा रही हूँ सोने थोड़ा सा, क्योंकि लाइट चली गई टीवी भी नहीं देख सकती, तो सो ही जाऊँगी। मैक्स तो सो रहा है, मैं अभी सो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ शाम को, ठीक है। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो चुका है, मतलब कि डिनर प्रिपरेशन का टाइम हो चुका है, तो डिनर में ना मैं ना बना रही हूँ, मतलब कि आलू मैंने बॉयल कर लिया, तो इसकी थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊँगी और थोड़ा सा जो है ना भर के थोड़ी सी पराठे बना दूँगी, क्योंकि इनका मन हो रहा है खाने का तो वो बना दूँगी, और इसलिए पूरे पराठे इसलिए नहीं बनाऊँगी ना, तेल बहुत कम है, तो इसलिए थोड़ी सी बनाऊँगी, काम चला लेना चाहिए ऐसी कुछ भी। और बहुत ज़्यादा रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, नॉर्मल सिंपल से बना रही हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे आपको दिखाती रहूँगी। और यार अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आते बहुत से लोगों मैसेज बहुत से लोग करते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं शायद, और जिसने भी ना बेल आइकन नहीं प्रेस किया है प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में ही रहता है, उससे ना नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड किया करूँगी वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अभी जा रही हूँ आलू को थोड़ा सा फ्राई करने। तो थोड़ा बहुत फ्रेंड्स बता देती हूँ, यहाँ पे मैं ना आलू को फ्राई करके ही यूज़ करती हूँ आलू पराठे में, बहुत लोग इसको खाली बॉईल करके मसाले वसाले डाल के यूज़ कर लेते हैं, बट मैं फ्राई कर लेती हूँ ऑयल में, जो है मैंने जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया, मिर्च डाल दिए, और इसको एकदम लाल होने तक जो है भून लूँगी। इसके बाद इसमें आलू डाल दूँगी, कुछ मसाले डाल दूँगी जैसे कि हरी सन्स, जैसे कि आजकल मेरा फेवरेट चल रहा है तो वही मसाला डाल दूँगी, थोड़ा सा एक गर्म मसाला, और वो सब पता नहीं मैंने शूट किया है कि नहीं किया है, बट सारे मसाले मैंने इसमें डाले, जैसे कि धनिया का पाउडर हो गया, गर्म मसाला हो गया, अमचूर का पाउडर हो गया, हरी सन्स का मसाला हो गया, हल्दी, इतनी चीज़ें मैंने इसमें डाली थी। और इसके बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स करके एकदम फोड़ लूँगी, और थोड़ा सा क्योंकि सब्ज़ी मुझे निकालनी भी है अलग से, तो पहले थोड़ा सा इसको अलग से निकाल लूँगी, और इसके बाद इसको जो है मैं मैश कर लूँगी, कलछू की मदद से ही मैश करती हूँ, मेरे को सर मैसर वैसर कुछ नहीं है फ्रेंड्स, और जैसा कि मैंने बताया नमक जो है वो मेरा ख़त्म हो रखा है, तो यहाँ पर मैंने जो सेंधा नमक है वो यूज़ किया हुआ है ज़्यादा, क्योंकि नमक जो है अभी ये आज लेके आए हैं थर्सडे वाले दिन, वेडनेस वाले दिन नहीं था नमक, सेंधा नमक से ही काम चला है। तो इसको फटाफट फ्राई कर लेते हैं, आधा अलग निकाल लेंगे आधा मैश कर लूँगी, और फिर आटा तो लगा ही, आप उधर देख ही सकते हो, फटाफट से इसको भर के बना लेंगे पराठा अपना।
तो देख सकते हो हमारे पराठे जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं फ्रेंड्स। रोटियां मैंने सेक ली है पहले ही, और यहाँ पे रोटी सेकने के बाद पराठा बना रही हूँ, उससे सही रहता है, वरना रोटी में ऑयल लग जाता है ना, तो इसलिए रोटी सेकने के बाद पराठे बना रही हूँ। और उस ठंड में तो पराठे का तो होए क्या मज़ा आ जाता है ना। अभी मैंने कुछ दिन पहले गोभी का पराठे बनाए थे, इसके बाद ये आलू का पराठा बना रही हूँ, और भी कोई बनाऊंगी पराठा तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो आप लोग भी आ जाओ ठंड में, गर्म गर्मा गर्म पराठे का मज़ा ले लो आप लोग भी, और साथ में बनाइए आलू मटर की चटनी, इनकी फेवरेट वाली, और क्योंकि ये चटनी के साथ ही खाएंगे अपना, वो मीठी वाली चटनी होती है जो ना ये खाते हैं, मैं नहीं खाती मीठी वाली चटनी, ये देखो ये खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे थाली लगा दी है इनकी, सॉरी, और बस खाना रेडी है। तो चलो फटाफट आप लोग भी आ जाओ डिनर के लिए फ्रेंड्स। किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जल्दी से आ जाओ। बर्तन सारे मैंने धो लिए जो निकले थे, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, और मैंने सारा मेकअप जो है ना वो हटा दिया है, क्योंकि फिर मेकअप के साथ सोना सही नहीं रहता ना। तो ब्लॉग करती हूँ एंड, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोग को मेरे अब ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करिए, अच्छे अच्छे मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट पढ़ना, और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, देने की कोशिश करती हूँ, सबका मैसेज एकदम बारीकी से पढ़ती भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना आप लोग के मैसेज। तो चलो करती हूँ वीडियो का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स के, मुझसे पूछ रहे काफ़ी सारे सवाल, दो तीन, तो उनका जवाब जल्दी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दे दूंगी। और भी कोई क्वेश्चन, कोई भी सवाल आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में कहीं भी हो ना, तो मुझे बस टाइप करके पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगी फटाक से, मतलब ब्लॉग्स में दूंगी, क्योंकि ब्लॉग्स में जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ ना, उतना लिख के टेक्स्ट में नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए आप वेट करना। ओके, बाय बाय, टाटा।